पार्टी हो या कोई वेडिंग हो, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ गेटिंग अ फेशियल ब्लीच डन। हम ब्लीच करवा तो लेते हैं, बट हम में से बहुत से लोगों को फेशियल ब्लीच के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। फेशियल ब्लीच के काफ़ी बेनिफिट्स क्लेम किए जाते हैं, जैसे कि टैन रिमूवल, पिगमेंटेशन रिमूवल, एक्ने, एक्ने स्कार इम्प्रूवमेंट, ऑयल कंट्रोल एंड व्हाट नॉट। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत। मैं डॉक्टर संचिका गुप्ता, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, द स्किन हाउस क्लिनिक एंड सर्वोदय हॉस्पिटल्स फरीदाबाद, आज इस वीडियो में हम फेशियल ब्लीच के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ डज ब्लीच वर्क? किसी भी ब्लीच क्रीम में एक क्रीम और एक एक्टिवेटर होता है, जिसको प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया जाता है। इसका प्राइम इंग्रेडिएंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही वो इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेयर को लाइट करने में हेल्प करता है, उसे गोल्डन या व्हीटिश कलर देता है। ब्लीच हमारे स्किन पे काम नहीं करता, बल्कि हमारे फेशियल हेयर पे काम करता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का कोई पर्टिकुलर हेल्थ बेनिफिट तो नहीं होता, बट इसके कुछ डिज़ायरेबल कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। ब्लीचिंग पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है जिनके फेस पे थिक डार्क हेयर होते हैं, क्योंकि ये फेशियल हेयर को लाइट करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये फेशियल हेयर को लाइट करता है, उसे गोल्डन बनाता है, तो हमारे फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। थर्डली, ये हमें थ्रेडिंग या वैक्सिंग के पेन से बचाता है। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स क्लेम किए जाते हैं, जैसे कि एक्ने या एक्ने स्कार में इम्प्रूवमेंट या मेलाज्मा रिडक्शन, ये सब गलत है। साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लीचिंग। इन 2006 FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इशूड अ नोटिस सजेस्टिंग दैट ओवर द काउंटर ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स सेफ नहीं हैं, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन एविडेंस। जब हम फ्रिक्वेंटली ब्लीच करते हैं, तो ब्लीच के अंदर जो हार्श केमिकल्स हैं, वो आपके स्किन को और ज़्यादा प्रोन बनाते हैं ब्लैक पैचेस के लिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड ब्लीचिंग के बाद कुछ परमानेंट वाइट पैचेस के केसेस भी आए हैं। ब्लीचिंग आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को भी इंक्रीज कर सकता है। सो हम डर्मेटोलॉजिस्ट फेशियल ब्लीच को रिकमेंड तो नहीं करते, बट वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ब्लीच करना इम्पॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस पे थिक डार्क हेयर हो। सो इफ़ यू डिसाइड टू get a bleach done, then you must follow certain precautions. First, ब्लीच करने से पहले आप हमेशा पैच टेस्ट कीजिए। रिकमेंडेड रहता है कि आप ब्लीचिंग से एटलीस्ट 24 to 48 hours पहले पैच टेस्ट करें। आप कानों के पीछे अप्लाई कर सकते हैं ब्लीच को, एंड अगर आपको कोई रेडनेस, इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन नहीं होता, देन यू कैन गो अहेड फॉर ब्लीचिंग। सेकेंडली, आप जब ब्लीच को फेस पर लगाते हैं, तो फेस के कुछ सेंसिटिव एरियाज पर ब्लीच मत लगाइए, जैसे कि अराउंड द आईज, अराउंड द नोज, अराउंड द लिप्स, ये एरियाज सेंसिटिव होते हैं। थर्डली, ब्लीच करने के बाद आप धूप में ना जाएं। ब्लीच में जो केमिकल्स होते हैं, वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं, एंड सन एक्सपोजर आपकी सेंसिटिविटी को एग्रवेट करता है। इसीलिए बेस्ट टाइम जो होता है ब्लीचिंग के लिए, दैट इज़ नाइट टाइम। फर्स्टली, कोई सन एक्सपोजर नहीं होता। सेकेंडली, आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं ब्लीचिंग के बाद, एंड नाइट स्लीप टाइम में आपकी स्किन बेटर हील करती है। एंड लास्टली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने ब्लीचिंग सेशन को 4 to 8 weeks के बाद ही रिपीट कीजिए। फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग सेशन से आपकी स्किन डैमेज होती है। अब कवर करते हैं ब्लीचिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या ब्लीचिंग से आपकी स्किन फेयर होती है? ब्लीचिंग के अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आपके हेयर को लाइट करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपके फेस के ब्लैक हेयर लाइट होते हैं, इससे आपके फेस पे एक अपेरेंट ग्लो आता है, बट एज सच आपके स्किन कलर पे कोई चेंज नहीं आता। किन लोगों को ब्लीचिंग नहीं करना चाहिए? जिन लोगों की स्किन एक्ने प्रोन होती है, या ड्राई सेंसिटिव स्किन होती है, या जिन लोगों को कुछ सर्टेन स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, तो इन लोगों को ब्लीचिंग अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं DIY होम रेमेडीज फॉर स्किन वाइटनिंग। देखिए, हम अपने स्किन के कलर को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने स्किन टोन को इवन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम होम रेमेडीज, जिसमें से एक है टोमेटो। टोमेटो एक नेचुरल ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट है,
उसको हाफ में कट कीजिए एंड रब इट ऑन योर स्किन. कीप इट फॉर 4 to 5 minutes एंड देन उसको वॉश कर लीजिए. बट ध्यान रखिए कि टोमेटो एक नेचुरल एसिडिक नेचर का होता है जिसकी टेंडेंसी है कि आपके स्किन को वो इरिटेट भी कर सकता है. सो टोमेटो को लगाने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें. सेकेंडली, एक कर्ड या बेसन का थिक पेस्ट भी बनाया जा सकता है. अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड देन रिंस इट ऑफ विद वाटर. इससे भी कुछ स्किन पे ग्लो देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या क्लिनिकल प्रोसीजर्स करते हैं टू इम्प्रूव स्किन टोन. अगर आपका कंसर्न थिक डार्क हेयर है तो आप लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में सोचिए. लेज़र मशीन एक लाइट एनर्जी इमिट करती है जो हेयर रूट्स के अंदर ब्लैक पिगमेंट को टारगेट करता है. इससे जो हीट एनर्जी डेवलप होती है, इससे हेयर रूट्स डैमेज होते हैं. तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है जिनका लाइट स्किन एंड डार्क थिक हेयर टाइप हो. अगर आपका कंसर्न है स्किन टोन को इम्प्रूव करना या पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करना, देन यू कैन थिंक ऑफ केमिकल पीलिंग, माइक्रो नीडलिंग, क्यूस्विश्ड एंडियाग लेज़र. केमिकल पीलिंग में एक मेडिसिन लगाई जाती है जिससे आपके स्किन की आउटर लेयर्स जो डल और डैमेज होती है वो पील ऑफ होती है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाई न्यू स्किन सेल्स. इससे आपका स्किन टोन, स्किन टेक्स्चर, पिगमेंटेशन सब इम्प्रूव होता है. ये फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स में भी काम करता है एंड आपके एक्ने या एक्ने स्कार्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग में आपके स्किन में कुछ माइक्रो इंजरीज क्रिएट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट लाइक डर्मा पेन, डर्मा रोलर. इससे वूंड हीलिंग का प्रोसेस इनिशिएट होता है जो कि कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. माइक्रो नीडलिंग से आपका ओवरऑल स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होता है, स्किन टेक्स्चर इम्प्रूव होता है, एक्ने स्कार्स में इम्प्रूवमेंट आता है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, एंटी एजिंग का भी काम करता है. क्यूस्विश्ड एंडियाग लेज़र, इस लेज़र में एक लॉन्गर वेवलेंथ रिलीज होती है विच इज़ ऑफ 1064 नैनोमीटर. ये आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. इससे आपका स्किन टैन, पिगमेंटेशन, हर चीज़ इम्प्रूव होती है, जैसे कि मेलास्मा, फ्रेकल्स. इस वेवलेंथ के पाथ पे जो भी पिगमेंट रहता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो आपके ब्लैक हेयर भी ब्लीच होते हैं. ब्लीचिंग के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ती हूँ कि आप अपने लिए डिसाइड कीजिए कि ब्लीचिंग आपको करना है या नहीं करना, एंड अगर नहीं करना तो क्या ऑल्टरनेटिव इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं.